यारो कैसे वर तो मैं तुम्हारा भाई हर्ष और इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे टीनेजर कैसे कुछ फैशन और स्टाइल मिस्टेक्स को जो तुम्हारे भाई ने भी करे हुए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो और इन चीज़ों से ना आप लोगों को सीखना चाहिए। सेकंड चीज आप लोग के लिए गिव अवे भी होने वाले तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मतलब मेरे से बातें कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जितने भी टीनेजर भाई है तो उनके पास जितने भी सेव किए हुए पैसे उनके क्या करेंगे जितने भी ट्रेंडिंग क्लोथ्स आते तो उनके ऊपर वो सारा पैसा खर्चा कर देते हैं। हालांकि आप लोग को इस बात का पता होना चाहिए कि देखो ट्रेंडिंग जो कपड़े होते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए ही ट्रेंड करते हैं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी पैसे कम है या फिर आप लोगों ने मतलब सेव किए हुए पैसे हैं तो बिना सोचे समझो आप लोगों को डायरेक्टली न्यू ट्रेंडिंग क्लोथ्स को नहीं लेना चाहिए। अकबर क्या होता है ना कुछ कपड़ों का बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट करा जाता है कंपनी या फिर ब्रांड के थ्रू ताकि लोगों ने उसको ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। तो में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो बिना सोचे समझे दूसरों को कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स हो गए या फिर मतलब किसी भी एक्टर मॉडल या फिर किसी को भी देख के जो उनका फेवरेट पर्सन होगा। देखो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि हर एक का स्किन टोन हो गया या फिर मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया सब कुछ अलग अलग होता है। तो हाँ आप लोग इंस्पिरेशन जरूर से ले सकते हो। कुछ केस में अगर आप लोग कॉपी भी कर लेते हो कपड़े तो वो सही भी दिखेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को ना अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करना चाहिए। समय अगर आप लोग के पास पैसे कम हो गए तो बेसिक से बहुत ही बड़ा बेस्ट ऑप्शन होगा आप लोग के लिए। बेसिक कपड़े मतलब कैसे जैसे कि सॉलिड कलर के जैसे होते हैं। मैं शर्ट्स की बात करूं तो एक फ्लैनल शर्ट ले लो या फिर आप लोग प्लेन शर्ट ले सकते हो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो ऐसे तीन चार टाइप के शर्ट भी अगर आप लोग लेते हो तो ये ठीक रहेगा। अगर टी शर्ट की बात करूं तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये सारे कलर काफी ज्यादा सही होते हैं और कम पैसों में आ जाते हैं। और जींस की अगर बात करो तो बहुत कुछ नहीं करे तो अगर बेसिक आप लोग दो तीन कलर भी लेते हो जैसे कि एक ब्लैक कलर की जींस हो गई, सेकंड एक नॉर्मल मतलब ब्लू कलर की डेनिम जींस हो गई और थर्ड मतलब आप लोग ग्रे कलर की जींस ले सकते हो। अभी बहुत ज्यादा ओवर साइज टी शर्ट हो गई या फिर बैगी पैंट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में जो मेरे टीनेजर भाई है वो ऑलरेडी होते हैं स्किनी और वो अगर ज्यादा बैगी या फिर ज्यादा लूज कपड़े पहनते हैं तो देखो उसके साथ आप लोग फोटो या फिर वीडियो में काफी ज्यादा अच्छे और कूल दिखोगे। ट्रस्ट में अगर आप लोग पूरा दिन भी पहनोगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा कॉन्फिडेंट फील नहीं होने वाला। इसका मतलब आप लोग ओवर साइज को ट्राई कर सकते हो बट सारे कपड़े ओवर साइज में नहीं लेना है। मिस्टेक नंबर टू की अगर बात करूं जो आप लोगों के स्टाइल गेम को पूरा खराब करने में हेल्प करती है वो है नंबर वन फेशियल हेयर। अक्सर टीनेजर की अगर बात करूं तो आप लोगों ने स्पेशली फेशियल हेयर मतलब बियर्ड या फिर मुस्टैच को अगर देखा होगा तो वो बहुत ज्यादा पैची होता है या फिर यार एक यहाँ पे वो काफी ज्यादा मतलब वियर्ड लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। ग्रो करना है तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको ट्रिम करके बहुत ही छोटा रख सकते हो लाइट मतलब जैसे आप लोग देख रहे हो। दोस्तों की बात करो तो भाई यार उनके भी पैची बियर्ड होते हैं तो वो यार वो भी वैसे रहते हैं और आप भी वैसे रहते हो। वीक में एटलीस्ट आप लोग को एक बार अपने फेशियल हेयर का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में हेयर स्टाइल जो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आप लोगों के लिए, ये बात ना मुझे बहुत ही लेट पता चली। जैसे कि आप लोग मेरे पहले वाले हेयर स्टाइल को देख रहे हो मैं हो गया या फिर बहुत सारे मतलब टीनेजर्स ऐसे होते ना जो हेयर स्टाइल के ऊपर ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते, मतलब भाई जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, बस भाई एक बार पानी और तेल लगा के भाई एक बार कोम कर दिया तो बस यार बात खत्म हो जाती है। हेयर स्टाइल की बात करो तो अगर आप लोग के बाल बहुत ज्यादा पतले हैं तो आप लोग को हेयर वैक्स या फिर जेल को नहीं लगाना चाहिए। नॉर्मल हेयर है तो आप लोग अच्छा एक मतलब वैक्स ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को कोई ऑनलाइन शॉपिंग की ट्रिक बताऊं जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और साथ ही में आप लोग के बहुत ज्यादा पैसे सेव भी होंगे। अगर वैसे तो नॉर्मली हम लोग मतलब मिंत्रा से या फिर आजियो से वगैरह शॉप तो करते ही ये कपड़े और उनके वेबसाइट पे हमें कभी कभार मतलब कैशबैक वगैरह भी मिल जाते हैं। मैं अगर आप लोग को एक ऐसा जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताऊं जिससे अगर आप लोग शॉप करते हो तो आप लोग के पैसे 100% सेव होने वाले हैं, साथ ही में आप लोग को बहुत सारा एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों मैं बात करूं कैश करो एप्लीकेशन की जो तुम्हारा भाई भी खुद यूज करता है। कैश करो एप्लीकेशन की जो सबसे जबरदस्त बात है इसके अंदर 1500 से भी ज्यादा की वेबसाइट है, मतलब भाई जो मर्जी चाहे आप लोग यहाँ से शॉप कर सकते हो। कैश करो एप्लीकेशन की लिंक वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना या फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से भी उसको डाउनलोड इजिली कर सकते हो। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ जो मैंने कैश करो से मतलब ऑर्डर करे थे मिंत्रा से। मोन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो जो मैंने वेयर करा हुआ है ये जैक एंड जोन्स का टी शर्ट है जो काफी ज्यादा मतलब सही है। इसके ऊपर बहुत ही बेसिक से प्रिंटिंग है जो काफी ज्यादा मतलब टी शर्ट को जबरदस्त लुक दे रही है। इसके फैब्रिक की अगर बात करो तो ये फैब्रिक 100% कॉटन है और काफी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल भी है। मिंत्रा पे प्राइस है 1299 बट ये मुझे कैश करो से मिला है सिर्फ 854 रुपीज में। इसी के साथ मैंने एक प्रिंटेड लिवाइस का टी शर्ट ऑर्डर करा था जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस ब्रांड के क्वालिटी की क्या ही बात करूं, मतलब इसका फैब्रिक आप लोगों को भी पता है कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है और अगर आप लोग नॉर्मली मतलब ब्लैक जींस के साथ भी वेयर करोगे तो ये काफी ज्यादा आप लोगों को जबरदस्त लुक देने वाली है। इसकी प्राइस जो मिंत्रा पे 1299 है बट ये मुझे कैश करो से मिला है सिर्फ 732 रुपीज में। और साथ ही मैंने और एक शर्ट का भी ऑर्डर करा था जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये ग्रे लिनन का हाईलैंडर का शर्ट है जो काफी ज्यादा जबरदस्त लगा मुझे। अगर फैब्रिक की बात करूं तो मेरे भाई ये पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा सही है तो आप लोगों ने इसको 100% लेना चाहिए, तो मेरे तरफ से मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। और इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो मिंत्रा पे इसकी प्राइस है 1049 बट कैश करो से मुझे मिला है सिर्फ 561 रुपीज में। इसके साथ आप लोगों को भी पता है कि मतलब बहुत ज्यादा भी ट्रेंड चल रहा है ओवर साइज टी शर्ट का हो गया या फिर मतलब कार्गोस पैंट का हो गया बैगी पैंट्स का हो गया तो तुम्हारे भाई ने भी कुछ ऐसा ऑर्डर करा हुआ है कैश करो से। इसमें जो आप लोग
टी शर्ट देख रहे हो तो एक ओवर साइज टी शर्ट है, ये बेवकूफ ब्रांड का है। और इसके मैं फैब्रिक और क्वालिटी की बात करूँ तो हाँ यार, वैसे तो मतलब ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। इन्होंने मतलब बैक के ऊपर प्रिंट भी दिया हुआ है जो काफी ज्यादा मतलब कूल लगता है। इसी के साथ हमने एक पैंट को भी ऑर्डर करा था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हाईलैंडर ब्रांड की कार्गो है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। प्रॉपर कार्गो तो नहीं है, बट हाँ यार इसको मतलब कार्गो जैसा लुक दिया हुआ है जो काफी ज्यादा अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में है। अगर मैं सही में कहूँ तो आप लोगों ने इसको भी ट्राई करना चाहिए अगर आप लोग नॉर्मल पैंट से बोर हो चुके हो तो। जो मिंत्रा पे प्राइस है वो है 1949, मुझे कैश करो से मिला है सिर्फ 824 रुपीज में। आइए, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मतलब कैश करो से अगर आप लोग शॉप करते हो तो आप लोगों के कितने ज्यादा पैसे सेव होते हैं। कैश करो एप्लीकेशन को यूज करना वैसे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, तो इसके लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली हम लोग जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं वैसे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के आप लोग मेरा कूपन कोड हर्ष25 को भी यूज कर सकते हो। इसको अप्लाई करते आप लोग को 25 रुपीज इंस्टेंटली मिल जाएंगे। इसे लॉग इन करते तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भाई 1500 से भी ज्यादा की वेबसाइट है, मतलब जो मर्जी चाहे आप लोग वहाँ पे शॉप कर सकते हो, वो भी बस एक ही एप्लीकेशन से। जितने भी मैंने प्रोडक्ट दिखाए तो उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही, बट यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता दूं, देखो अभी मिंत्रा पे ना सेल भी चल रहा है तो आप लोगों को और भी शायद से कम प्राइसेस में प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और वैसे भी आप लोग को मिंत्रा पे अप टू 6% तक कैशबैक मिलता है, अगर आप लोग आजियो से शॉप करते हो तो आप लोग को फ्लैट 4% का कैशबैक मिलता है। वैसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सिंपली मैं मिंत्रा सर्च करूंगा जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पे जो ऑरेंज बटन दिख रहा है तो उसके ऊपर टैप करना है। जैसे आप लोग टैप करोगे ये सीधा जाएगा मिंत्रा के वेबसाइट के ऊपर। नॉर्मली जैसे हम लोग शॉप करते हैं तो वैसे आप लोग को शॉप करना है, सक्सेसफुली आप लोग को पूरा पेमेंट कर देना, और जैसे पेमेंट हो जाता है फिर से आप लोग को कैश करो के एप्लीकेशन पे आ जाना है। आप लोग यहाँ पे माय अर्निंग के सेक्शन में अपना टोटल कैशबैक देख सकते हो, तो टोटल मतलब 250 रुपीज तक चला जाता है, तो वो आप लोग डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आप लोग अमेजन गिफ्ट कार्ड वगैरह भी इससे परचेस कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो यार काफी ज्यादा जबरदस्त है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोग को कैश करो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए तो उनमें से आप लोग जो मर्जी चाहे मतलब जो कुछ आप लोग को पसंद आता है आप लोग वहां से ऑर्डर कर सकते हो, और जैसे आप लोग ऑर्डर करते हो तो आप लोग ऑटोमेटिकली गिव अवे में इंटर हो जाते हो, फिर आप में से 5 लकी विनर्स को उनके फेवरेट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सारी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर चेकआउट करना। नंबर 3 की अगर मिस्टेक की बात करूँ तो वो है शूज और एक्सेसरीज में। देखो सबसे पहले अगर मैं शूज की बात करूँ तो शूज में हम लोग ना भले ही मतलब अच्छे वाले शूज ले लेंगे चाहे वो जितने भी महंगे हो, बट अगर आप लोग उसको सही आउटफिट के साथ अगर वेयर नहीं करोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखने वाला। सबसे पहले तो आप लोगों को कपड़े के कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो अगर आप लोग डार्क कलर के अगर टी शर्ट शर्ट को वेयर करते हो तो आप लोग को मोस्टली अगर आप लोग लाइट कलर की पैंट्स को वेयर करोगे तो वो काफी ज्यादा सही रहेगा। इसका अपोजिट अगर आप लोग मतलब लाइट कलर के शर्ट टी शर्ट को वेयर करते हो तो आप लोग मोस्टली डार्क कलर के जीन्स को वेयर कर सकते हो। ये मैंने उन भाइयों को बताया जो मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो आप लोग मतलब दोनों सेम कलर भी वेयर कर सकते हो, जिसको मोनोक्रोमेटिक लुक भी कहते हैं। साथ ही में अगर एक्सेसरीज की बात करूँ तो आप लोग को बहुत ज्यादा मतलब हेवी या फिर मतलब बहुत ज्यादा बल्कि एक्सेसरीज को वेयर नहीं करना चाहिए। तो टीनेज में मोस्टली ना स्किनी बंदे होते हैं, और ऐसे में अगर आप लोग बहुत ज्यादा बड़े बड़े रिंग्स या फिर मतलब ब्रेसलेट वगैरह वेयर करोगे जो ज्यादा बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं दिखेंगे। अगर तुम लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और जैसे कि मैंने कैश करो एप्लीकेशन के बारे में बताया तो उसको भी डाउनलोड करके आप लोग वहां से शॉपिंग जरूर करना, और वैसे भी यार उसके बेनिफिट ही बेनिफिट है तो जरूर से ट्राई करना। तो मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, प्लीज।